क्लास टेंथ के भैया मन तैयार हो जाएंगे। आज मैं फिर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं। अगले दिन हम कुछ सवाल बताए थे और फॉर्मूला बताए थे। एक बार फॉर्मूला को फिर हम रिमाइंड कर ले, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना फॉर्मूले का हम ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। एक बार फिर हम फॉर्मूला को रिमाइंड करा दें और बताए थे देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन होता है? सिक्स सबको लर्न हो गया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हम बताए थे इसको सीरियल में याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और हम उसमें बताए थे अगर ये पहला तीन हमको याद रहेगा, साइन कॉस टेन, तो ये तीनों निकल जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट, कॉस और सेक, टेन और कॉट। तो ये तीन अगर हमको लर्न है तो ये तीनों आसानी से लर्न रहेगा। क्या बताए थे पहला हम? पी बाय एच, पी बाय एच। कॉस थीटा क्या बताए थे? बी बाय एच। टेन थीटा क्या बताए थे? पी बाय बी। ये तीन अगर लर्न है तो ये तीनों निकल जाएगा, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। एक टेक्निक है पंडित बद्री प्रसाद, याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। फिर नीचे जाएंगे, हरी हरी बोल, एच से हरी, एच से हरी, बी से बोल। हरी हरी बोल को नीचे लगाएंगे, क्या बताए हम? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो दिमाग में सेट हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अगर ये तीनों लर्न है तो ये अराउंड हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का क्या? पंडित, तो पी बाय एच, तो यहां क्या हो जाएगा? एच बाय पी। कॉस और सेक, बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाय बी। ये क्या हो जाएगा? टेन और कॉट अपोजिट है तो बी बाय पी। तो ये फॉर्मूला गत क्लास में हमने बताया था, ये बार आज फिर हम रिमाइंड करा दिए इसको। और कुछ आया था इसमें? तीन चीज आता है इसमें, एच पी बी, एच पी बी, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये तीनों इसमें यूज हुआ है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इस फॉर्मूला में तीनों यूज हुआ है। सवाल हम सोल्व करेंगे, ये तीनों में से निकालना पड़ेगा। तो एच निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर